हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्या आप जानते हैं आपकी स्किन के लिए इमली कितने फायदेमंद है। अगर नहीं जानते हैं तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय घरों में इमली का इस्तेमाल चटनी, शरबत आदि बनाने के लिए किया जाता है। इमली स्वास्थ्य के साथ साथ त्वचा के लिए भी लाभकारी होती है। ये सिर्फ न खाने का स्वाद बढ़ाती है बल्कि सुंदरता बढ़ाने में भी मदद करती है। इमली में विटामिन के, विटामिन सी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन आदि पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कि त्वचा को स्वस्थ बनाते हैं। इमली का इस्तेमाल कई तरीके से किया जा सकता है ताकि त्वचा को निखारा जा सके। आइए जानते हैं कि त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए इमली का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। पहला, निखरी त्वचा के लिए। इमली का इस्तेमाल आप फेस पैक की तरह भी कर सकते हैं। इसके लिए एक कटोरी में इमली का पेस्ट, योगर्ट और गुलाब जल मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर 25 मिनट रखें और इसके बाद चेहरे को धो लें। ये त्वचा को बैक्टीरिया फ्री और साफ बनाता है। दो, टैनिंग दूर करने के लिए। इमली त्वचा से टैनिंग और हाई पिगमेंटेशन को प्राकृतिक रूप से खत्म करने के लिए उपयोगी होती है। इसे बनाने के लिए इमली की प्योरी, शहद और बेसन को एक निश्चित मात्रा में मिलाकर मास्क बनाएं और चेहरे पर लगाएं। इस मास्क को चेहरे पर लगाकर 25 मिनट रखें और फिर चेहरे को धो लें। तीन, त्वचा की रंगत निखारने के लिए। इमली त्वचा के लिए प्राकृतिक टोनर का काम करती है। इमली में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को फिर से जवां बनाते हैं। इसे बनाने के लिए इमली को 2 कप पानी में भिगोकर रख दें और फिर इमली के पानी में चाय का पानी मिलाकर एक स्प्रे बॉटल में भर दें और जब भी चेहरा धोएं तो टोनर की तरह इसका इस्तेमाल करें। चार, झुर्रियों को कम करने के लिए भी। बढ़ती उम्र के कारण त्वचा पर पड़ने वाली झुर्रियों को भी कम करने के लिए भी इमली लाभकारी होती है। इसके लिए एक बाउल में इमली की प्योरी, बेसन, शहद और सूजी लेकर अच्छे से मिला लें। अब इस पेस्ट को चेहरे पर 10 से 15 मिनट लगाकर रखें। फिर चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। पाँच, मृत कोशिकाओं को हटाने के लिए। इमली से बना स्क्रब भी मृत कोशिकाओं को हटाने के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसे बनाने के लिए एक कटोरी में इमली की प्यूरी डालें और उसमें 2 चम्मच चीनी और नींबू का रस डाल दें। इस पेस्ट को स्क्रब की तरह चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें। ऐसा करने से मृत कोशिकाएं हट जाती हैं और त्वचा निखर जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।